नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बिहार में पप्पू यादव ने हाल ही में जिस तरीके से अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, उसके बाद लगातार ही वो पूर्णिया पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस सब के बीच पप्पू यादव ने एक बड़ा काम बीते गुरुवार को कर दिया। दरअसल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते दौरान पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अब मरते दम तक ना ही कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। यानी मतलब साफ था कि कांग्रेस में पप्पू यादव पूर्णिया के लिए आए हैं और पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के कुछ ही दिनों बाद पूर्णिया की लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत चली गई और वहां से आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बना दिया। बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई वो विधायक हैं। दरअसल बीमा भारती को यहाँ उम्मीदवार बनाने के बाद आरजेडी के इस फैसले के खिलाफ पप्पू यादव आवाज बुलंद करते नजर आए थे और शुरुआत से ही ये कह रहे थे कि 4 अप्रैल को मैं नामांकन दाखिल करूंगा। इसके बाद 4 अप्रैल की तारीख आई जब पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पूर्णिया के निर्वाचन आयोग भवन नामांकन दाखिल करने पहुंचे और फिर वहां जाकर उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। दरअसल इस पूरे प्रकरण के बाद अब माना जा रहा है कि पप्पू यादव के निर्दलीय पूर्णिया के चुनावी मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन की राह ही मुश्किल हो गई है और अब पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा, वो भी इंडिया गठबंधन के। इसका सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये बात भी मानी जा रही है कि पप्पू यादव के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ अच्छा खासा फायदा मिलेगा और आरजेडी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब इसमें देखने वाली चीज ये रहेगी कि पप्पू यादव क्या लालू प्रसाद यादव के कहने पर मतदान से पहले अपना नाम वापस लेते हैं या फिर वे चुनाव लड़कर ही मानेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।